सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में हो रही गांव की हत्या के खिलाफ सरकार और प्रशासन को मृत घोषित करते हुए विस्थापित आंदोलनकारियों द्वारा सांकेतिक रूप से बड़वानी के कारंजा चौराहे पर धरना दिया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में सरकार के इस मृत रूप रवैये को लेकर दुख जताया। दुख स्वरूप कई साथियों ने मुंडन भी करवाया, जिंदा डूब प्रभावित को मुर्दा बनाकर अपना विरोध भी किया और शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। जैसे जो आज निर्णय लेने वाली है एनसीए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जो दिल्ली में एक निर्णय लेने वाली है उसके विरोध में कि एनसीए पूरा देखे स्थिति क्या है, क्योंकि बड़वानी मध्य प्रदेश के 192 गांव और एक नगर धर्मपुरी का जल समर्पण होने वाला है, जल हत्या करने वाली सरकारें हैं, तो क्या स्थिति होगी, इसके विरोध में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि आज 32,000 परिवारों को पुनर्वास करना बाकी है जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है। जिस तरीके से सरकारें गांव खाली कराने का प्रयास कर रही है, पानी लगातार चढ़ाने का काम कर रही है, जिसमें गुजरात सरकार हो या केंद्र सरकार हो या एनसीए, जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे पानी चढ़ाने का और लगातार गांव टापू बनने की जैसी स्थिति में है, तो 192 गांव एक नगर धर्मपुरी शहर पूरा डूबेगा। तो जो आज विरोध किया जा रहा है कि एनसीए पानी भरने का निर्णय ना लिया जाए और लोगों की जल हत्या ना किया जाए, तो आज जो यहाँ पे हम बड़वानी में जो कार्यक्रम किया जा रहा है कि जिस तरीके से सरकारें को जागना जरूरी है कि क्या होगा, क्योंकि इस तरीके से हुआ था पूरे गाँव की बल हत्या होगी, मतलब 192 गाँव की ही जल समर्पण होगा और गाँव ही क्या स्थिति होगा, इसके लिए बड़ा संघर्ष की एक चुनौती दिया जा रहा है। आज किस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है? जैसे आज हमारे लिए सरकारें मर चुकी है, इसका एक हमने कार्यक्रम किया गया है, संवैधानिक कार्यक्रम किया गया है और कुछ लोग मुंडन भी करवाएंगे सरकार के खिलाफ, क्या सरकारें कर रही है, चाहे गुजरात सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एनसीए, आपको निर्णय पहले पानी भरने के लिए पूछना चाहिए विस्थापितों को क्या स्थिति होने वाली, क्या पुनर्वास हो गया है क्या। जब जीरो बैलेंस की बात करें तो आज भी 6,000 सरकार ही खुद आंकड़े के बोला 6,000 आंदोलन का दावा है कि 32,000 परिवार डूब क्षेत्र में निवासित कर रहे हैं। ये जिंदा इंसान को मुर्दा बनाकर हमले चला रहे हैं। सरकारें जो बार बार सरकार जो गूंगी मेरी सरकार है उसको दिखाना चाहते हैं कि आज लोग जगे हुए हैं, लोगों को मारने के लिए मजबूर ना किया जाए।